आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ कॉलीफ्लावर के बारे में। कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेसी वेराइटी बॉटराइटिस। सबसे पहले आता है ब्लाइंडनेस, फेलियर टू फॉर्म एनी कर्ड। टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें कोई भी कर्ड की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड हमारे पास आता है बटनिंग। कर्ड बनेगा लेकिन बहुत ही छोटे साइज का हमारे पास कर्ड बनता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। फिर हमारे पास आता है हॉलो स्टेम। स्टेम हमारे पास जो कर्ड के नीचे स्टेम है वो बिल्कुल खोखली हो जाएगी, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। फिर हमारे पास आता है विपटेल डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ मॉलिबेडेनम डेफिशिएंसी। हमारी लीफ का जो मार्जिन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, लीफ सिर्फ सेंटर में से डेवलप होगी, सेंट्रल स्टॉक की डेवलपमेंट होगी और पूरी लीफ की डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर हमारे पास आती है ब्राउनिंग, जिसे हम ब्राउन रॉड और रेड रॉड भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ बोरॉन डेफिशिएंसी। कर्ड में हमें ब्राउनिंग देखने को मिलेगी। राइसीनेस और फजीनेस हमें देखने को मिलती है। वेलवेटी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे राइसीनेस में, वेलवेटी स्ट्रक्चर ऑन योर कर्ड। फजीनेस में आपके पास फ्लावर पेडिसल इलोंगेट हो जाएगी।